बड़ी ईद पर बड़ी खुशियां, परदेसियों को अबाई घर जाने की फिक्र, रेलवे स्टेशन और लारी अड्डों पर मुसाफिरों का रश, बैग और सामान उठाए, मुसाफिर टिकट्स के हसूल की जंग लड़ने में मसरूफ, बसें कम मुसाफिर ज्यादा, टिकट्स नायाब, ट्रांसपोर्टर्स मुसाफिरों को दोनों हाथों से लूटने लगे, मुसाफिरों की इंतजामिया से किराए कम करने की तकरार। दिनों की नहीं घंटों की बात, कुर्बानी के जानवर घर लाने का टास्क, मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदो फरोख्त अरूज पर, कोई सस्ता बकरा खरीदने में कामयाब तो कोई मन पसंद का महंगा बकरा खरीद कर खुश, व्यापारियों ने रेट बढ़ाए तो गाहकों ने भी जांच पड़ताल तेज कर दी, छोटी और बड़ी मंडियों में खूबसूरत जानवर तवज्जो का मरकज बन गए। घरों के बाहर और गलियों में कुर्बानी के जानवरों की रौनकें, बच्चे और बड़े जानवरों के नखरे उठाने में मसरूर, कोई सुबह सवेरे चारा लेने डाल पर पहुंचा तो कोई जानवरों के बनाव संघार में मगन। शहर भर में कसाबों की बुकिंग बंद, कसाबों ने भी आस्तीनें चढ़ा ली, पहले रोज बकरी का रेट 5,000 और गाय का 10,000 रुपए मुकर्रर, चारा बेचने वालों का भी कारोबार खूब चमका, सब चारे और तूड़ी मनमाने रेट्स पर फरोख्त होने लगा। चाकू और चोरियां तेज करने वालों की भी चांदी हो गई, चोरियां बोगदे और टोके की कुर्बानी से पहले ही चल पड़े, दुकानदारों ने औजार तेज करने के साथ साथ दाम भी तेज कर दिए। सब्ज मसाला जात महंगे, टमाटर लीमू अदरक और लहसुन की कीमतें दोगुनी, घरों में रोस्ट और नमकीन पकवान की तैयारियां, सीख कबाब कड़ाही गोश्त टिक्का बोटी और कलेजी भूनने के इंतजाम, गर्म मसाला जात की खरीदारी बाजारों में रान रोस्ट के लिए एडवांस बुकिंग बंद। अज़हा कल मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जाएगी, शहरी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी करेंगे, बादशाही मस्जिद, दाता दरबार, बहरिया टाउन, जामे मस्जिद और मंसूरा समेत मसाजिद और पार्क में बड़े बड़े इज्तमात होंगे, मॉडल टाउन सेंट्रल पार्क में ईद की नमाज 7:30 बजे अदा की जाएगी। ईद शॉपिंग अरूज पर मार्केटों और बाजारों में खवातीन का रश, रात गए तक ज्वेलरी हैंडबैग्स और चूड़ियों की खरीदारी, बच्चे और बड़े कपड़े और जूते खरीदने में मसरूफ। फाउंटेन हाउस में भी ईद उल अज़हा मनाने की तैयारियां, स्पेशल अफराद में नए कपड़े और तहाइफ तकसीम, मुखय्यर हजरात की जानिब से कुर्बानी के जानवर भी फाउंटेन हाउस पहुंचा दिए गए। जो काम नहीं करेगा पंजाब में नहीं रहेगा, जुबानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा, तब्दीली सबको नजर आएगी, मेरिट गुड गवर्नेंस और कानून की हुक्मरानी होगी, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जेर सदारत पहला इजलास, अमनो मान की सूरत हाल और ईद पर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। सीनियर वजीर बनने के लिए अलीम खान और मियां महमूद रशीद के दरमियान सर जंग, पंजाब काबीना की तश्कील लटक गई, पंजाब काबीना के लिए वजीर आजम से वजीर आला उस्मान बुज़दार की मुशावरत, वजीर आजम को 2 से 3 सीनियर बुज़रा बनाने की तजवीज, पहले मरहले में 8 से 10 बुज़रा हल्फ उठाएंगे। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर का नाम ECL में डालने का मामला, शहबाज शरीफ की जेर सदारत मॉडल टाउन में अहम इजलास, अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, अमीर मुकाम, महताब वासी समेत अहम रहनुमाओं ने शिरकत की। छप्पन कंपनी स्कैंडल में शहबाज शरीफ की नाक में पेशी, लाहौर न्यूज अंदरूनी कहानी सामने ले आया, शहबाज शरीफ ने सारा मलबा सबका ब्रोकरेसी और बोट्स पर डाल दिया,
आपके अहकाम पर कंपनीज में गैर कानूनी इकदाम हुए, नैप का सवाल, कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया जिससे खजाने को नुकसान पहुंचा हो। शहबाज शरीफ, आप पर आशियाना इकबाल का ठेका मंसूख करने का इल्जाम है, नैप हुकाम, सेक्रेटरी ने ठेका मंसूख करने की समरी दी, साबिक वजीर आला का जवाब। ईद उल अजहा की छुट्टियां, शहर के तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स बंद, मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन, स्टेबलिंग यार्ड और डेरा गुजरा डिपो पर तामीराती काम बंद कर दिया गया, अमला छुट्टियां गुजारने घरों को रवाना। ईद से कबल मौसम मेहरबान, वक्फे वक्फे से बारिश, मजंग, शाहतरा और एबट रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बादल खुलकर बरसे, मौसम तब्दील होने पर शहरी खुश। स्टेज अदाकारा नरगिस ने शोबिज से तौबा कर ली, बड़ी ईद पर नरगिस का बड़ा ऐलान, लाहौर न्यूज के प्रोग्राम मेहमान खास में शोबिज छोड़ने का ऐलान, मेरे खानदान में अगर कोई शोबिज में आया तो बायकॉट करूंगी, नरगिस की गुफ्तगू। ये आदमी जब जब तुम लोगों की जिंदगी में आया ना, एंड ही नहुसत हुई है कोई। पर सजेगा फुल टाइम म्यूजिक और मौज मस्ती का मेला, एक साथ तीन फिल्में रिलीज के लिए तैयार, जवानी फिर नियानी 2, लोड वेडिंग और परवास है जुनून की नुमाइश, शायकीन को बेताबी से इंतजार। एक और फिल्म पर्दा स्क्रीन पर आने के लिए तैयार, लॉलीवुड फिल्म जुगनू का ट्रेलर जारी, फिल्म की कहानी अरीब अली और अली अब्बास नकवी ने लिखी।